आज हम लोग सीखेंगे ग्राम एटॉमिक मासेस के बारे में, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्राम एटॉमिक मासेस क्या होते हैं? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि हमारा जो आपका एटॉमिक मास है, अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसी को हम ग्राम एटॉमिक मासेस कहते हैं। एमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, उसकी यूनिट होती है, उसको हम रिप्लेस करके अगर ग्राम लिख देंगे तो उसी आप मास को कहेंगे कि ये एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मासेस हो गया है। सेकेंड पॉइंट इसमें है, द क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट विच वेज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास इज कॉल्ड वन ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि ग्राम एटम का मतलब क्या हो रहा है, अगर हम एग्जांपल के थ्रू बात करें तो एग्जांपल में हम कंसीडर करेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम। मतलब एक और यहां टर्म यूज हुआ ग्राम एटम। ग्राम एटम का क्या मतलब हुआ, अगर हम कहते हैं 1 ग्राम एटम इस एलिमेंट का है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो एटॉमिक मास है उसके बराबर एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जैसे कि यहां पर आपका सोडियम का एग्जांपल था, 1 ग्राम सोडियम एटम का मतलब क्या हो गया 23 ग्राम ऑफ सोडियम। सिमिलरली हीलियम का एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम मतलब 4 ग्राम ऑफ हीलियम। यानी कि आपका जो एटॉमिक मास है उसी के बराबर जो है आपका मास हो जाएगा 1 ग्राम एटम का। ये पॉइंट ग्राम एटम वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपको जो है मास कैलकुलेट करने के लिए क्या कर देगा वो, इस तरह की टर्मोलॉजीज का यूज कर सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम एटम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। आज हम लोग सीखेंगे ग्राम मॉलिकुलर मास के बारे में। ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होता है इसको समझते हैं। तो होता क्या है, द मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिकुलर मास और मोलर मास। यानी कि किसी भी आपका कंपाउंड का अगर मास जो होता है मॉलिकुलर मास उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसी को हम मोलर मास या फिर ग्राम मॉलिकुलर मास के नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट है, मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिकुलर मास इज कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। मतलब अगर ग्राम मॉलिकुलर मास या फिर मोलर मास के इक्वल जो मास होता है उसको हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास कहते हैं। इस बात को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है हमारे सामने H2O का। तो H2O में क्या होता है कि हाइड्रोजन का आपका अगर इस पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स का हम निकालेंगे मोलर मास तो वो क्या हो जाएगा, पहले मॉलिकुलर वेट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 times of 1 + 16। तो यहां पर 1 क्या होता है हाइड्रोजन का होता है, 16 ऑक्सीजन का होता है, सम अप कर देंगे तो 18 आ गया। अब 18 क्या है, 18 के आगे यूनिट है एएमयू। एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां पर एएमयू रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा जो है यहां पर मॉलिकुलर मास है। अब इस मॉलिकुलर मास को हम क्या करेंगे, ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ग्राम मॉलिकुलर मास। तो इसी चीज को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये हमारा ग्राम मॉलिकुलर मास हो जाएगा, नहीं तो ये हमारा नॉर्मल मॉलिकुलर मास के फॉर्म में रहेगा। तो ये है।